पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री समेध शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा वैयावृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिश्य पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC BARB0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। जिस प्रकार से कि दूर रहकर भी कमल खिल जाते हैं, परमात्मा का नाम कोई नाम जुबान से लेने से कुछ नहीं होता है। आपको पता है, जब दिल में प्रेम हो तो दूर से भी स्मृति कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, तो आपको सहरन हो जाती है। और कोई सामने हो, आपसे कहा जाए प्रेम करा जाओ, तुम प्रेम करो, कर सकते हो क्या? प्रेम का दिखावा कर सकते हो, अभिनय कर सकते हो, शब्द कह सकते हो और चेहरे की कवायद कर सकते हो, यानी मुस्कुराहट झूठी हो सकती है, दिखावट हो सकती है, बनावट हो सकती है, सजावट हो सकती है और मिलावट हो सकती है, लेकिन वास्तव में भक्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि प्रेम तो होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। और ये दुनिया का प्रेम तो नकली होता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। ये व्यक्ति से होता है, वस्तु से होता है, परिस्थिति से होता है, लेकिन जो परमात्मा से प्रेम होता है वो बिना अपेक्षा के होता है। और उसमें इतना मिलता है कि बरसात हो जाती है, किसी से गिलास भर पानी मांगो तो गिलास भर ही मिलता है, लेकिन परमात्मा देता है तो अपना खजाना लुटा देता है। क्योंकि परमात्मा, आपको पता है, कहते हैं कि उस नौकर से क्या फायदा जो अपने भक्त को, नौकर को सिर्फ रोजी रोटी देता है। जैन शासन का परमात्मा ऐसा है कि जिन शासन का सत्ताधारी भी बना देता है। दुनिया के किसी मजहब में ऐसा धर्म नहीं है जो कि नौकर को मालिक बना दे, लेकिन एक जैन शासन ऐसा है जो नौकर को भी भगवान बना देता है। दासो हम रटता गया मैं मंदिर के पास, और दा दर्शत अट गया सोगम रहा प्रकाश। मैं दासो हम करता करता गया था, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ख्याल आया कि जो तुम हो वही तो मैं हूँ। क्योंकि एक होता है प्रेम, एक होती है प्रार्थना और एक होती है आराधना। प्रेम, जिसे आप प्रेम कहते हो, वो प्रेम नहीं है, वो राग है। लेकिन जो पवित्र प्रेम होता है वो सबके प्रति होता है। लेकिन जो प्रार्थना होती है वो परमात्मा के प्रति होती है, और जो आराधना होती है वो स्वयं में उस सत्ता को देखकर जो आस्था जगती है वो आराधना हो जाती है। प्रेम जब पराकाष्ठा पर होता है तो परमात्मा बना देता है।
अभी हमारा प्रेम सिर्फ शब्दों से, आजकल तो प्रेम के भी ऐसे नाले बहने लगे हैं कि प्रेम भी गंदी नालियों से बहने लगा है। प्रेम के बीच वासना आ जाती है कभी कभी, तो वो भी सुगंध पूर्ण हो जाती है। और आज पश्चिम की सभ्यता ने कोरा प्रेम दिया है, इसलिए दो चार दिन में टूट जाता है। एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया, माता जी पश्चिम के लोग कितना प्यार करते हैं, कहीं पार्क में देखो, कहीं क्लब में देखो, कहीं जहां देखो तो सड़क में ही प्रेम कर लेते हैं। हमने कि उनका प्रेम इतने जल्दी जल्दी होता कि वो कोटा एक दो चार महीने में पूरा हो जाता, फिर माथा पोड़ी होती है। आपको पता है आप लोग शादी की सालगिरह मनाते हो, ये हमारी हिंदी संस्कृति नहीं है। शादी की सालगिरह आप लोग जुबली सिल्वर पता नहीं क्या क्या मनाते हो, आपको पता है? बोले 25 साल हो गए। हमने कही ये तो पश्चिम की सभ्यता, हमारे यहाँ तो 10-10 भव की प्रीति चलती है, 10-10 भव का प्रेम भी चलता है। ये तो उनकी गनीमत कहो कि एक आध साल में टूट जाता है। तो बोले 25 साल टूट गया तो बधाई हो तुम, 25 साल तक इस गिरी हुई दीवार को थामे रखा तुमने, गिरने नहीं दिया। आप एक वेंटल क्या बोलते हो उसको, डे मनाते, हाँ वैलेंटाइन डे वो मनाते हो, आपको पता है वो क्या था? वो कितना मातम का दिन है और तुम लोग उसको गिफ्ट देकर मनाते हो। वो बेचारा एक व्यक्ति था जिसने कहा था कि ये फूहड़पने का प्यार छोड़ो, विवाह करके अच्छे से रहो। तो अंग्रेज मैंने कहते हैं कि इंग्लैंड की सरकार ने उसे फांसी पे चढ़ा दिया था इतने से कसूर में, और तुम लोग उसकी उस दिन गिफ्ट दे रहे हो, उस दिन मातम मनाओ और अंग्रेजी का बहिष्कार करो। क्योंकि हमारे यहाँ आप लोग सब उल्टे उल्टे, हमारे यहाँ कितने अच्छे नाम है आपने पढ़ा, शंकर शिव शंभु और स्वयंभू, कितने अच्छे अच्छे महायज्ञाय महातेजाय महायशस्य, अभी आप लोगों ने नाम पढ़े होंगे, हर नाम का अर्थ है। और आप लोग अपने बच्चे का नाम रखते हो टिंकू टिंकू चिंकू फिंकू, हमने कहीं बताओ ये टिंकू मिंकू टिंकू, डिक्शनरी में देखो अमेरिका की डिक्शनरी में टिंकू का मतलब होता है आवारा लड़का, बिल्कुल नकम्मा। तुम अपने बच्चों के नाम ऐसे क्यों रख लेते हो? कभी कभी तो लोग अपने पति को भी बोले उसको बुला देना सैलू को, बिल्कुल सत्य घटना है महाराष्ट्र की, मैं ब्रह्मचारिणी थी, उन्होंने कहा दीदी सैलू को बुला देना, मैंने कही तेरी मम्मी कुत्ते को बुला रहे, तो बोली नहीं कुत्ते को नहीं तेरे पापा को बुला रहे, मैंने कि मतलब, बोली सैलू उनको कहती है सालू कुत्ते को कहती है, मैंने कि सैलू और सालू में पता ही नहीं चलता तुम किसको बुला रही हो, बोली प्यार से नाम लेती हूँ, मैंने कि प्यार के इजहार का और कोई तरीका नहीं है? अरे कम से कम मान मर्यादा होना चाहिए। नई नई बहू आई, नई नई बहू आई, सास ने उसे काम दिया कि तू दही बिलो ले, दही बिलोया तो मक्खन ऊपर आ गया, उसने सास से कहा अम्मा जी मक्खन आ गया, उसने एक चाटा मारा, तुम मार मत देना नहीं तो तुम्हें दो चार पड़ जाएंगे बदले। तो उसने कहा अम्मा जी मक्खन आ गया, सास ने एक चाटा मारा, बोली बदतमीज तुझे अकल नहीं है, तेरे ससुर का नाम है, तू ससुर का नाम ले रही। वो बोली ठीक है अब से नहीं लूंगी। दूसरे दिन सास ने फिर वही काम दिया और वो बिलो रही थी तो मक्खन तो आ गई। वो बोली अम्मा जी माँ जी बाऊ जी आ गए, ने कहाँ रखूं? हमारे यहाँ इतनी मर्यादा थी कि ननद भांजी का भी नाम नहीं लेते थे लोग, और सच पूछो तो बहू को भी जो पुत्र वधु आती थी उसे क्या कहते थे? उसके पिता के नाम से लेते थे, जनक नंदिनी भामंडल भगनी, ऐसे कर करके पद्म पुराण आदि में संबोधन है। आजकल तो घर में आता है तो ऐसे आवाज लगाता है जैसे उसके अलावा कोई जिंदा ही नहीं हो घर में। आप लोग खुश मत हो ना कि तुम्हारा पति बहुत चाहता है, सोच लेना कि तुम सब भी नहीं हो जो पति को कहते हो मुझे ही आवाज लगाया करो। अरे 25 साल से जिससे आवाज लगा रहे थे, आते ही बोलते थे माँ कहाँ हो, माँ से माँ को बुला कर बोलो, माँ जिंदा गए तब तक ऐसी फूहड़ पद्धतियां हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए कि मम्मी से कहे मम्मी दो रोटी सेक दोगी कि हम दोनों खा लें,
बल्कि बोलो मम्मी आप और ये खा लो, मैं गरम गरम सेक कर देती हूँ, क्योंकि जब भी आपको पता है नई नवेली मैंने औरतों को कहो आना, बोले अभी नहीं आ सकते बच्चे छोटे, हमने कि क्यों, तो बोले माता जी बच्चे बड़े हो जाएंगे उसके बाद आएंगे, हमने कि कैसे आओगी, बोले बहू आ जाएगी तो गर्मा गर्म रोटी मिलेगी, मैंने कि रोटी मिलेगी या खरी खोटी मिलेगी तो तेरे मुकद्दर की बात है। तो हमें वास्तव में इतने बेकार, एक महिला आई बोली माता जी बच्ची का नाम बता दो, एक जिठानी की बेटी का नाम डिम्पल, एक का सिंपल, कोई ऐसी सेटिंग का नाम बता दो, मैंने कि चप्पल रख ले, अब सेटिंग तो तुम्हें करना है। एक बोली एक का नाम अंजन एक का निरंजन है, मैंने कही तू दंत मंजन रख ले। अरे कुछ भी रख लो नाम से तुम्हें नाम उचारत सुख लगे दर्शन सोग जाए, कैसे कहते हैं ऐसे हैं जिन देवता जिन पूजत पत पाए, कि वास्तव में भगवान के चरण वंदन से नाम लेने से, लेकिन जैसे तुम लोग नाम लेती हो ऐसे नाम लेने से कुछ नहीं होना, क्योंकि तुम्हें कोई एहसास ही नहीं होता है, तुम सिर्फ ऊपर से नाम लेते हो, तुमने ऐसी पूजाएं की होती तो यही जीवन जो मरुस्थल बन गया है जो वीरान हो गया है वह बसंत हो जाता, क्योंकि आपके किसी के प्रेम में टूट आप डूब जाओ तो आप उससे जहां मिल लो वही आपकी यादगार हो जाती है, और तीन लोग के नाथ के नाम तुम रोज लेती हो, क्योंकि लोग कहते माता जी हमने 100 माला फेरे, हमने कहा तू वो बेहिसाब श्वासें देता है तू उसका नाम भी गिन गिन के लेता है। सच पूछो तो 23 घंटे नहीं 24 घंटे उसका नाम हमारे दिल से नहीं जाए। आप कहोगे माता जी ऐसे कैसे नहीं जाए, घर के 100 काम होते हैं, तो आपको पता है शादी के बाद लड़की पीहर आती तो जैसे पिताजी को खाना देती थी वैसे ही देती है, सबसे बोलती चलती है, लेकिन दिमाग कहाँ लगा होता है। ससुराल में आपको पता है ऐसे ही हमने देखी नहीं वो जगह, लेकिन चर्चा तो सुनी है आचार्यों से, ऐसे हो आप ऐसे हो कल्पना करो कि वो सब वहां तो हो सकता है, ससुराल का घर अलग निकल जाए। आपको पता है पहले घर पर पतिदेव को क्या कहते थे, श्रीमान कहते थे, पतिदेव कहते थे, पत्र में लिखते थे आपके चरणों की दासी, अनपढ़ पत्नी थी तो पति ने बोला शुरू में लिखना कि आपके दासी, और मैंने कहते दर्शन की अभिलाषी उसने लिखा आपकी प्राण प्यासी। आप समझ गए, क्योंकि कहीं भी कुछ लिख दे देता है बेदिमाग आदमी कहीं भी कुछ लिख देता है, और तुम्हारा दिमाग ज्यादा अच्छा मत समझना, तुम्हारे दिमाग की भी बैलगाड़ी 5 घोड़े लगे और 5 मुंह करके लगे। कहते हैं अली मृग मीन पतंग गन इनके एक ही आँच, और तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे 5। तुम लोग भी इंद्रियों के अनुसार चयन कर लेते हो, और कुछ दिन बाद एक इंद्री कोई भी भोग भोग ले नीरस हो जाती है। इसलिए कभी भी आज नियम लेकर जाना, सिद्ध चक्र विधान में बैठना तुम्हारा जब सार्थक होगा। घर में फूहड़ता बिल्कुल बंद करो। हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के लोग कहते माता जी अब तो मॉडर्न जमाना है, हमने कही सब कुछ बाहर कर लोगी तो कमरा में क्या माथा फोड़ी करोगी। आप सोच के देखना, लोग कहते एक बार आ जा, हमने कहा एक बार आएगा तो जिंदगी भर चूल्हे में जाएगा क्या, अरे घर ही लौट कर आएगा। सीता राम लक्ष्मण जा रहे थे तो किसी ने पूछा था कि ये जो आगे जा रहे हैं वो कौन है तुम्हारे, तो उन्होंने कहा था जो पीछे जा रहे हैं वो मेरे देवर हैं, और आगे जा रहे हैं ये उनके बड़े भाई हैं। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी मर्यादा थी कि उसने पूछा था आगे जा रहे कौन है, उसने कहा था पीछे जा रहे वो मेरे देवर हैं और ये उनके बड़े भाई हैं। आज आप लोग मनोवती का इतिहास उठाओ, जिस सास ससुर जेठ जिठानी ने एक बार दहरी पर नहीं आने दिया, और उसके बाद भी बुद्ध सेन को मनोवती को गजमुक्ता की कहानी आपको पता है, जब राज्य मिला
तो पति ने तो बल्कि ये कहा था कि वो लोग आज आपत्ति के मारे यहाँ आए हैं, तू कहे तो कोड़े पिटवा दूं, कोड़ों से पिटवा दूं, तू कहे तो खाल खिंचवा दूं, तू कहे सूली पे चढ़वा दूं। उसने कहा था बस कीजिए, बस कीजिए। वो हमारे महापुरुष हैं, पूज्य पुरुष हैं, जो हुआ वो मेरे कर्मों से हुआ, उनका कोई दोष नहीं है, वो हमारे आदरणीय है, पूजनीय है, उनको सम्मान लाओ। पति ने कहा तू तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं, आज की औरत होती तो कहती सच में तुम हमें कितना चाहते हो, मेरी यही इच्छा थी, है ना। और लेकिन उसने कहा था तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है, जब तक उन्हें सम्मान नहीं लाओगे। तो पति ने कहा था कैसे लाऊं, यहाँ मजदूरी करते थे, सबको पता है, उन्हें राज्य वेशभूषा कहाँ से ला कर दूं। तो उसने कहा था क्योंकि औरत का दिमाग वहां चलता जब आदमी का दिमाग बंद हो जाता है। औरत को बहुत औरता है, आपको पता है, आपको रोटी रूखी खिला देगी, बोलेगी दो दिन से बोल रही थी घी नहीं लाई, तो खाओ रूखी। लेकिन कोई मेहमान आ जाए तो तुरंत कढ़ाई चढ़ाकर पूड़ी बना के खिला देगी, क्योंकि इसका दिमाग बहुत अच्छा चलता, बस वो क्रोध ना करे। इतनी सी शर्त है कि वो क्रोध और ईर्ष्या नहीं करे। लोग कहते हैं कि नारी में मायाचारी होती है, हमने कहा कौन कहता है नारी में मायाचारी होती है, महापुरुष में, आप महापुराण में देखो, आप महाभारत में देखो, आप रामायण में देखो, कितनी मायाचारी, रावण ने आदि मायाचारी नहीं करी। कौन कहता औरत मायाचारी करती है, यदि औरत मायाचारी भी करती है तो घर को चलाने के लिए करती है, पति और पुत्र के स्वास्थ्य लाभ के लिए करती है। बच्चे कभी कभी आपको पता जिद करते तो मांग करती देख ले बेटा होता तो दे नहीं देते, लेकिन उसका लक्ष्य अच्छा होता है। यदि वो परिवार को तोड़ने के लिए मायाचारी करती है, आपको पता जैसे सास से बोलेगी चुप रहो, बोलने की जरूरत नहीं है, पति बोलेगा तो तुमने ऐसा मां से बोला, बोले नहीं मैं तो कह रही थी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, चुप रहो मत बोलो। देखो बोलने मिलने में क्या अंतर है।